बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम के नेतृत्व में निकाली जा रही ईवीएम का भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा का जम्मू कश्मीर में दूसरे दिन भी भव्य स्वागत हुआ। ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 26 जून से उधमपुर से शुरू हुई थी। आज ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा दूसरे दिन जिला सांबा की बड़ी विडंबना विष्णा डिग्याना चौक विजयपुर होते हुए कलह में पहुंची, जहां फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। वामन मेश्राम ने बताया कि ईवीएम ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर दी है। लोकतंत्र की हत्या हमारे भविष्य की हत्या है। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक हमारे भविष्य की हत्या होती रहेगी, इसलिए हमें हर हाल में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना होगा और ईवीएम में लगे वीवीपैट से निकलने वाली कागजी मतपत्रों की 100% गिनती करने या ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को मजबूर करना होगा। वामन मेश्राम ने आगे कहा कि ईवीएम ही सभी समस्याओं की जड़ है, इसलिए इन सभी समस्याओं को एक साथ खत्म करने के लिए एससी एसटी ओबीसी और इनसे धर्म परिवर्तित सभी अल्पसंख्यकों को साथ मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने ईवीएम का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि ईवीएम के द्वारा मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्रमबद्ध तरीके से वीवीपैट लागू करने की अनुमति क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट खुद यह कह रहा है कि केवल ईवीएम के द्वारा निष्पक्ष पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं हो सकता है। इसके बाद भी चुनाव आयोग उस पर अमल नहीं करके मनमानी कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस पर अमल ना करने के लिए 56C, 56D और 49MA ऐसे रूल बनाए ताकि देश की जनता के साथ धोखेबाजी की जा सके, मगर हम यह धोखेबाजी हरगिज बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।